بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अच्छा जी, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पेरिटनिज्म एंड मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ठीक है, मजहबी इंतहा पसंदी, ठीक है. ये मोस्ट अपने आप को कहते थे कि जी ये मोस्ट रिलीजियस थियोरेटिकल पर्सन हैं, और ये समझते थे कि शायद ये वो एलीट्स हैं जिनके जिनको शायद अल्लाह ताला ने ये या गॉड ने ये इख्तियार दे दिया है कि ये सजा और जजा का मामला जो है शायद इनके इख्तियार में आ गया. तो प्योरिटन्स जो है, प्योरिटनिज्म जो है, वो प्योरीफाई से निकला है, और प्योरीफाई ये लोग ये कहते थे कि हम दुनिया को जो है वो साफ करने आए हैं, तो ये हमारा काम है कि हमने दुनिया में हर इवल को जो है वो खत्म करना है. तो इनको ये लगता था कि शायद हम तमाम दुनिया के जो ईवल्स हैं उनको खत्म कर देंगे, और हर ईवल का की जो बेस है, जो रूट है, वो क्या है, वो इमोशंस हैं, वो लव है और अटैचमेंट है, इन सारी चीजों को, सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं. तो ये लोग ये कहते थे कि ये वो चीजें हैं, ये वो फीलिंग्स हैं, ये वो सोच है इंसान की जो कि उसको गुनाह करने पे मजबूर करती है. तो इनका ये कहना था कि इस तरह की डिजायर्स इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ इबादत करनी चाहिए, और इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ना उसको शादी करनी चाहिए, अगर शादी होती है तो उसमें भी एक जो है जैसे कहना चाहिए एक खुश्कपन सा इनके अंदर होता है. दूसरा, ये जो ड्रामा है, एक तो प्यूरिटनिज्म के बैकग्राउंड में लिखा गया है जिसमें हम मजहबी जनूनियत देखते हैं और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखते हैं. तो मतलब ये कट्टर किस्म के जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, ये जो फतवे दे देते हैं अचानक से, ठीक है, ये एक्चुअली उनको शो करते हैं. और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर जिंदगी में कभी आपने दीन सीखा, क्योंकि हमें भी हमारी टीचर ने जब सिखाना था कुरान हम पढ़ने लगे थे, तो उन्होंने पहली बात हमसे ये की थी कि बेटा आप लोग दीन सीखने आए हैं, यहाँ पे आप कुरान सीखने आए हैं, आपने रिजिड नहीं होना, आपने लोगों के साथ बहुत ही प्यार से बात करनी है, ठीक है. और फिर हमें एक आयत हमने पढ़ी थी, कुलू लिन्नासी हुस्ना, बात करो तो आसान तरीके से करो, ठीक है. तो इंसान की जो रिजिडिटी होती है वो इंसान के रिलेशंस को, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं हम फतवे देने लग जाते हैं ना कि ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे. तो आप सजेशन जरूर दें, लेकिन सजा और जजा का मामला अल्लाह ताला के पास होता है, वो हमारे पास नहीं है. हिदायत का मामला भी अल्लाह के पास है, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है. तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नॉर्मली एक होता है हिदायत आने के बाद जो है आपको सबसे बड़ा तकब्बुर, ये इंसान, ठीक है, आप निकल गए, आप गुनाहों की दुनिया से निकल गए, लेकिन अब शैतान कौन सा वार करता है, वो आप पे ये वार करता है, अब आपके पास इल्म का तकब्बुर आ गया, आपके पास जी दीन का इल्म आ गया, ठीक है. तो दीन के इल्म का तकब्बुर भी ये बहुत बड़ा तकब्बुर होता है, ये बड़ा खतरनाक किस्म का तकब्बुर होता है जो इंसान के तमाम रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है. एक्चुअली ये वही प्राइड है, प्राइड ऑन प्यूरिटनिज्म के, वी आर द मोस्ट प्यूरिफाइड पीपल, ठीक है, हम वो मोस्ट एलिवेटेड लोग हैं जो कि शायद दुनिया में हमने ही जन्नत में जाना और बाकियों ने तो जन्नत में जाना कोई नहीं है. तो दैट इज द सेम मेंटालिटी जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही है. और प्यूरिटनिज्म के जो, अगर मैं ऑपोजिट बात करूँ ना, अगर इसके खिलाफ कोई, मतलब इसके ऑपोजिट कोई फिरका था, वैसे प्यूरिटनिज्म कैथलिक्स ही थे, और उसके बाद जो है एक और फिरका था, वो था मेथडिस्ट, ठीक है. मेथडिज्म के अंदर दीन की जो है वो खूबसूरती दिखाई गई थी, उसकी नरमी दिखाई गई थी, ठीक है. मेथडिस्ट उनको मेथडिस्ट कहते थे. तो प्यूरिटन्स का ऑपोजिट, जैसे कैथलिक्स का ऑपोजिट हम प्रोटेस्टेंट्स पढ़ते हैं, तो प्यूरिटन्स का जो ऑपोजिट होगा वो मेथडिस्ट होगा. तो आज आप लोगों ने ना ये प्यूरिटन्स के बारे में थोड़ा सा मजीद पढ़ना है कि ये लोग कौन थे और इन्होंने ये फिरका क्यों जनरेट हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इज अ साइकोलॉजिकल ड्रामेटाइजेशन ऑफ इवल्स ऑफ प्यूरिटनिज्म. मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एक साइकोलॉजिकल ड्रामेटाइजेशन है इवल्स ऑफ प्यूरिटनिज्म, ठीक है. इवल्स ऑफ प्यूरिटनिज्म जो है उसका एक साइकोलॉजिकल ड्रामेटाइजेशन है. द एक्शन ऑफ द प्ले हैव बीन सेट इन ब्रिटैनिकल सराउंडिंग इन मिडस्ट ऑफ द प्ले.
इन द मिडस्ट ऑफ प्योरिटैनिकल पीपल, और ये जो एक्शन ऑफ प्ले है वो प्योरिटैनिकल सराउंडिंग्स में मिडस्ट ऑफ प्योरिटैनिकल पीपल जो है वो शो की गई है. द न्यू इंग्लैंड कंट्री साइड इन विच द एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस इज फुल ऑफ ऑलमोस्ट बैरन एंड रॉकी कंट्री साइड विद बैरन माउंटेन्स. द पीपल आर इक्वली ऑस्टियर टफ एंड थ्रिफ्टी. अच्छा, ये जो सेटिंग होती है ना ड्रामा की, हमेशा आप कभी देखें एक रोमांटिक सॉन्ग होता है तो उसकी जो सेटिंग होती है वो भी उसी हिसाब से होती है, यानी कि कोई बागो बहारा टाइप कोई बैकग्राउंड होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई सैड सॉन्ग है आप देखें उसके बैकग्राउंड में एक सेटिंग होती है, और वो भी बड़ी डल किस्म की सेटिंग होती है. हो सकता है वो विंटर दिखा रहे हो सकता है वो रात दिखा रहे हो. ठीक है, और जो हीरोइन होता है उसका ड्रेस भी बड़ा वो होता है, जैसे बहुत ही टूटी हुई है. तो वो बेसिकली यहाँ पे भी देखें उन्होंने सेटिंग किस तरह से दिखाई है, बिकॉज उन्होंने सख्ती दिखाई है उन कैरेक्टर्स के अंदर. तो जो बैकग्राउंड है, जो सेटिंग है, वो क्या है, न्यू इंग्लैंड कंट्री साइड, जो कि किस तरह का दिखाया गया है. इन विच द एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स इज फुल ऑफ ऑलमोस्ट बैरन. जो एक्शन ऑफ द प्ले जहाँ हुआ है वहां पे क्या है, वो तमाम जो सेटिंग्स दिखाई गई हैं कैसी हैं, वो बैरन है, रॉकी है, कंट्री साइड विद बैरन माउंटेन्स. ठीक है, बैरन माउंटेन्स वहां पे दिखाए गए हैं, और पीपल जो है उतने ही ऑस्टियर हैं, टफ हैं और थ्रिफ्टी हैं, रिजिड किस्म के वहां पे लोग रहते हैं. ऑल दिस क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ सिवेरिटी इनफ्लेक्सिटी एंड फर्मनेस. ठीक है, ये अब ये सारा जो है वो क्रिएट कर देता है एटमोसफियर ऑफ सिवेरिटी, सिवेरिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल थे वो लोग, और मतलब उनके अंदर बहुत कट्टर किस्म के लोग थे. इन द आईज ऑफ ओनील दिस प्यूरिटनिज्म रिप्रेजेंट एवरी काइंड ऑफ सुप्रेशन, हिपोक्रेसी एंड शेम बिहेवियर. इट इज नॉट अ केयरफुल हिस्ट्री अप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यू इंग्लैंड, इट इज प्यूरिटनिज्म विच ओनील अंडरस्टूड थ्रू द आईज ऑफ हिज ओन जनरेशन. ये जो है कोई हिस्टोरिकल, इट इज नॉट केयरफुल हिस्टोरिकल, कि न्यू इंग्लैंड की कोई हिस्टोरिकल अप्रोक्सीमेशन नहीं थी जो कि यहाँ पे दिखाई गई, बल्कि इस ड्रामा के थ्रू हमें क्या बताया जा रहा है कि प्यूरिटनिज्म जिसमें ओ नील अंडरस्टूड थ्रू द आईज ऑफ हिज ओन जनरेशन, अपनी ही जनरेशन में जो उसने प्यूरिटनिज्म देखी, वो जो समझा प्यूरिटनिज्म को कि ये है, इट रिप्रेजेंट द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट वाज रॉन्ग विद अमेरिकन सोसाइटी. शायद वो रिप्रेजेंट करता वो सम टोटल जो कि अमेरिकन सोसाइटी जो है, एवरीथिंग वॉज रॉन्ग विद, मतलब ऐसे जैसे हर चीज जो है एक जो है अमेरिकन सोसाइटी के साथ जैसे सब कुछ ही गलत था. ठीक है, तो यानी कि वो उनको, ये जो मजहबी लोग थे वो उस सोसाइटी को, मैंने कहा ना दीन का तकबर वही वाली बात होगी ना, कि आपको फिर हर बंदा ही गलत लगने लग जाता है. ऐसे नहीं होता, हिदायत ये नहीं होती कि आपको दूसरे लोग बुरे लगने लग जाते हैं, हिदायत ये होती है कि मुझे अपनी अपनी खामियां नजर आने लग जाती हैं. ठीक है, तो दैट इज द थिंग, के जो ओ नील का एक अंदाजा था जो उसने अपनी जनरेट, के वो ये जो प्यूरिटनिज्म है वो ये रिप्रेजेंट करती है द सम टोटल के दैट वाज रॉन्ग विद अमेरिकन सोसाइटी, के ओवरऑल सारी की सारी शायद अमेरिकन सोसाइटी गलत थी. ठीक है, ओ नील यूजेस दीज हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड इन द टेक्सचर ऑफ द प्ले. ही रिप्रेजेंट द ड्रामा ऑफ लव एंड लस्ट विद इट्स ट्रेजिक क्लाइमैक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्ड जियोग्राफिकल सेटिंग्स एंड स्ट्रिक्ट पीपल. ठीक है, मैंने अभी सेटिंग्स की बात की थी. ठीक है, और यहाँ पे हार्ड किस्म की ज्योग्राफिकल सेटिंग्स शो की गई हैं, और विद द हार्ड बिहेवियर्स ऑफ द पीपल. ठीक है, स्ट्रिक्ट पीपल दिखाए गए थे और लैंडस्केप्स जो है उसके हार्ड ही दिखाए गए थे. द मेंबर ऑफ द मैनन हाउस रिप्रेजेंट अ हार्ड ट्रेडिशन बाउंड फैमिली. मैनन्स आर कंजर्वेटिव एंड क्लास कॉन्शियस. क्रिस्टाइन इज एन आउटसाइडर इन देयर फैमिली. To her, their house appears like a sepulcher. ठीक है, उसको ऐसे लगता था जैसे ये कोई ढांचा sepulcher है. ठीक है, full of puritanical ugliness, जो कि भरा पड़ा था puritanical ugliness से, monstrosity and temple of hatred. और उसको ये घर क्या लगता था, ये कोई उसको sepulcher लगता था, कोई temple of hatred लगता था, कोई उसके अंदर उसको monstrosity नजर आती थी, monstrous. ठीक है, into words of Christine, every time I come back after being away, if the house appears more like a sepulcher. वो कहती है जब भी मैं इस घर में वापस आती हूँ तो ये मुझे sepulcher लगता है. Menon have a complete puritanical approach to life. Their grandfather Abe established a business of shipping and made a pile of wealth. The family became very rich and prosperous. They were prominent in the community.
बट क्रिस्टाइन इज नॉट एज स्ट्रिक्ट इन मॉरल ब्रिटेनिकल कोड्स एज द रेस्ट ऑफ मेनन. लेकिन क्रिस्टाइन जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं थी इन मॉरल ब्रिटेनिकल कोड्स में एज द रेस्ट ऑफ मेनन. ठीक है, इतनी वो स्ट्रिक्ट नहीं थी उन मॉरल ब्रिटेनिकल कोड जो कि मैनस जो है वो फॉलो करते थे. ओनील सेज अबाउट हर, शी एंट द मैनन काइंड, शी इज नॉट, एंट एक्चुअली इज नॉट है. ठीक है, शी इज नॉट द मैनन काइंड. तो यहाँ पे क्या है, ओनील ने उसके कहा, उसको क्या कहा कि भाई वो मैनन काइंड की तरह नहीं है, बल्कि वो अपनी जिंदगी आजाद आजाद ख्याल किस्म की औरत है और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है. ठीक है, और दैट शी इज नॉट जस्ट लाइक हिपोक्रिटिकल, जस्ट लाइक द मैनन्स, मैनन्स की तरह वो जो है मुनाफिक नहीं है. तो इफ तो यहाँ पे क्या है, ही ब्रिंग्स द इमोशनल स्ट्रीक इन द प्रोजाइक मैनन फैमिली. और वो जो है इमोशन स्ट्रीक है शो करती है इन प्रोजाइक मैनन फैमिली. प्रोजाइक यानी कि इमोशनलेस जो मैनन फैमिली है उसके अंदर वो इमोशनल स्ट्रीक जो है वो शो की. स्ट्रीक्स देखे, हेयर स्ट्रीक्स. ठीक है, इतने सारे काले बालों में एक गोल्डन बाल होता है. तो दैट इज सेम द इमोशनल स्ट्रीक इन प्रोजाइक मैनन फैमिली. मैनन्स आर शोन हिपोक्रिटिकल टू ऑल आउटवर्ड अपीयरेंसेस. मैनन्स आर द इलेक्ट. ठीक है, इलेक्ट किसे कहते हैं, आ फैमिली सिलेक्टेड फॉर सेल्वेशन बाय डिवाइन विल. ठीक है, एक ऐसी फैमिली जिसको बख्शा जा चुका हो. जैसे हम लोग अपने ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं कि जी जन्नती बस हमारा फिरका ही है, बाकी तो सारे फिरके जहन्नुम में जाएंगे, है कि नहीं है. तो इसको कहते हैं कि वी आर द इलेक्टेड वन. ठीक है, जैसे आप देखें, हमने दिल पे जरा हाथ रख के देखें, आपको लगेगा मैंने जन्नत में ही जाना है, साथ वाली जहन्नुम में जाएंगे. इतनी तो कम अज कम नेकियां है ना कि हम जन्नत में चले जाएंगे, है कि नहीं है. ये शैतान का धोखा है. इसी तरीके से हर फिरके को ये लगता है कि भाई आई एम द इलेक्टेड वन, ये भी शैतान का धोखा है. तो एक्चुअली यहाँ पे वो जो मैनन्स हैं वो क्या थे, आर शोन हिपोक्रिटिकल टू ऑल आउटवर्ड अपीयरेंसेस. मैनन्स आदर मतलब वो जो है जो कि शो हो रहे थे हिपोक्रिटिकल आउटवर्डली अपीयरेंसेस में, मैनन क्या शो कर रहे थे कि वो एक्चुअली क्या है, इलेक्टेड वन है. दे मैनन्स आर द इलेक्ट. ठीक है, द डेविड फॉल्स इन लव विद कैनेडियन नर्स मैरी ब्रेंटॉम एंड मैरिज हर. फॉर दिस क्राइम ही इज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस. ठीक है, डेविड जो है वो कहीं कैनेडियन नर्स से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जुर्म होता है उसका कि उसको घर से बाहर फेंक दिया जाता है. हिज फैमिली पोर्शन इज परचेज्ड एट अ वेरी लो कॉस्ट बाय एज़रा. और उसका जो फैमिली पोर्शन होता है वो एज़रा जो है वो बाय कर देता है. इवन व्हेन मैरी इज डाइंग ऑफ स्टारवेशन एज़रा डज नॉट केयर फॉर इट. यहाँ तक कि मैरी जो है जब वो स्टारवेशन से मर रही होती है तो एज़रा जो है तब भी उसकी केयर नहीं करता. दिस हार्ड हार्टेडनेस एंड हेटेड एक्सपोज देयर सो कॉल्ड प्यूरिटन पिटी. ठीक है, और ये जो हार्ड हार्टेडनेस है और हेट्रेड है, अब ये उनके सो कॉल्ड प्यूरिटन पेटी को शो करता है कि भाई ये कौन से रिलीजियस मैन है जो कि इतने पायस हैं कि वो एक मरते हुए स्टार्विंग इंसान को भी बचाने के लिए कुछ नहीं करते. ठीक है, तो यहाँ पे देयर थियोलॉजी हैज नो रिलिश ऑफ सेलिब्रेशन इन इट. और उनकी थियोलॉजी कहते हैं रिलीजियस बिलीफ को, रिलीजियन को. ठीक है, आपका रिलीजियस नॉलेज हैज नो रिलिश ऑफ सेलिब्रेशन इन इट. उनके पास कोई रिलिश नहीं था सेलिब्रेशन इन इट, बख्शिश का कोई नहीं था कि भाई वो किसी को माफ भी कर दें. मैनन्स वे ऑफ लिविंग लीड्स देम टू देयर कैटास्ट्रोफ सच दैट फॉर एग्जांपल एज़रा से. मैनन के जो वेज थे वो एक्चुअली उनके इस डाउनफॉल का बायस बने. फॉर एग्जाम्पल एज़रा क्या कहता है, लाइफ हैड ओनली मेड मी थिंक ऑफ डेथ. Life was dying, being born was started to die. अच्छा यहाँ पे देखें कि लाइफ वो क्या कहता है, लाइफ had only made me think of death. ठीक है, लाइफ जो है एक्चुअली वो मुझे डेथ पे के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं. लाइफ वॉज डाइंग बींग बॉर्न वॉज स्टार्टिंग टू डाई. और हम जो है जीते ही इस वजह से मरने के लिए, यानी कि हम जो है पैदा ही मरने के लिए होते हैं. They outwardly possesses all the Calvinistic and Puritanic virtues, industry, thrift, clock-like vulgarity and protection against an irretrievable lapse, social responsibility and careful
अवॉइडेंस ऑफ सेंसिबिलिटी. अब क्या था कि वो आउटवर्डली जो है क्या पोजेस करते हैं, कैल्विनिस्टिक और प्यूरिटन. कैल्विनिस्टिक वही रिलीजियस और प्यूरिटन वर्स्यूज जो है आउटवर्डली वो बाहर बाहर से तो बड़ा पोजेस करते थे कि हम रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है. तो लेकिन फिर क्या था, उनके पास क्या था, सब वर्च्यूज थी. कौन कौन सी वर्च्यूज थी उनके पास, कैल्विनिस्टिक उनके पास इंडस्ट्री थी, थ्रिफ्ट था, क्लॉक लाइक रेगुलरिटी थी, बहुत ज्यादा रेगुलर थे, ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंड इरिटेबल डेब्ट्स, उनके पास पैसा था अच्छा खासा, प्रोटेक्शन थी एक इरिटेबल लैप्स के खिलाफ, मतलब ये इतना प्रोटेक्शन थी, इतना पैसा था कि वो बच सकते थे किसी भी नुकसान से. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और केयरफुल अवॉइडेंस ऑफ सेंसुअलिटी थी. और सेंसुअलिटी यानी कि उनके अंदर क्या था, केयरफुल अवॉइडेंस ऑफ सेंसुअलिटी, ठीक है. सेंसुअल नहीं थे, सेंसुअलिटी को वो अवॉइड करते थे. देर इज नो पॉसिबल रिडेम्पशन फॉर अ सिनर अगेंस्ट द कोड ऑफ लाइफ. और इनकी जिंदगी में कोई पॉसिबल रिडेम्पशन कहते हैं बख्शिश को हो जाना फॉर अ सिनर अगेंस्ट द कोड ऑफ लाइफ. यानी कि ये इतने करप्ट किस्म के लोग थे, इतने सख्त किस्म के लोग थे कि उनको ये लगता था कि अगर एक इंसान से गुनाह हो ही गया तो उसकी माफी कोई नहीं है. तो यहाँ पे रिडेम्पशन क्या है कि प्री डिटरमाइंड थे कि अ सिनर हु इज इलेक्ट एंड इज टू बी डैम, कि उसको बस अब सजा मिलनी ही मिलनी है. तो पॉसिबल रिडेम्पशन थी उसके लिए फॉर अ सिनर अगेंस्ट द कोड ऑफ लाइफ, जो कोड ऑफ लाइफ को तोड़ेगा. कोड कहते हैं रूल्स ऑफ लाइफ का ना, तो रूल्स ऑफ लाइफ को तोड़ेगा तो उसको जो है वो सजा मस्ट मिलनी है. यानी कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन देम. इफ वन फॉल्स इज रिप्रोबेट फॉर एवर. अगर एक इंसान से इफ समवन कमिट्स सिन तो एक तो वो रिप्रोबेट फॉर एवर, कि वो हमेशा के लिए उसको सजा दे दी जाती थी. इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, दिस प्यूरिटेनिकल बिलीव इज ओनली इन अपीयरेंस. अब मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में ये जो है जस्ट अपीयरेंसेस में अगर हम देखें तो ये प्यूरिटेनिकल बिलीव नजर आता था, अदरवाइज इन एक्चुअल लाइफ दे आर इरेटिक, अनस्ट्रेंड, ग्रीडी एंड हार्टलेस. आउटवर्डली तो उन्होंने ये अपना एक लबादा, एक मास्क ओढ़ा हुआ था कि जी वो इतने इरेक्ट हैं, इतने जो है इलेक्टेड हैं या जो भी है, बड़े नेक हैं जी. लेकिन इनसाइडेडली वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा एरेटिक थे, अनस्ट्रेंड, ठीक है. अनस्ट्रेंड मीन के उनका नफ्स जो है जैसे आजाद फिर रहा होता था, अनस्ट्रेंड, ठीक है, अपने नफ्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे. ग्रीडी भी थे और हार्टलेस भी थे. देयर इज नो थियोलॉजिकल फाउंडेशन टू द प्यूरिटेनिकल कोड इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. कोई थियोलॉजिकल फाउंडेशन हमें वहां पे नजर नहीं आती. अच्छा जी, उसके बाद Mencken describes it an appearance without substance and an ethic without a dogma. Dogma कहते हैं belief को. Mencken कहता है कि ये एक ऐसी appearance थी without substance और एक ऐसा ethic था जो कि without any belief था. ऐसा attitude था, एक ऐसा ethic, यानी कि एक appearance जो कि without substance, जिसकी कोई base ही नहीं थी, ठीक है, और एक ऐसा ethic without a dogma. एक ऐसा एथिक, एक ऐसा कोड उन्होंने फॉलो किया था जो कि विदाउट बिलीफ था. फॉर एग्जांपल, हम चलते बस चले जा रहे हैं, पता कोई है नहीं, और बिलीव्स, एक इंसान की जिंदगी कामयाब या एक इंसान की पर्सनैलिटी स्ट्रांग कब होती है, जब उसके बिलीव स्ट्रांग होते हैं, उसका फेथ स्ट्रांग होता है. इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज. हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हम ईमान वाली जिंदगी जीने और ईमान वाली मौत मरने आए हैं, इसको कामयाबी कहते हैं. लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए पैसा, हमारी डिजायर्स, हमारी सारी चीजें, तो इसको कहते हैं डोगमा, इसको कहते हैं बिलीव, ठीक है. अगर हमारा बिलीव ही स्ट्रांग नहीं है और अजीब अजीब चीजों के ऊपर है, हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, बेटा सच बोलो या बेटा ऐसे नहीं करना, नहीं तो फलानी आंटी क्या कहेंगी. उसको ये नहीं बताते कि बेटा दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये आंटी बीच में कहां से आ गई. तो फिर क्या होता है, हम अपने बच्चे को खुद मुनाफिकत सिखाते हैं कि आंटी की वजह से सही और गलत करना, तुमने अपनी वजह से सही और गलत नहीं करना. तो हम उसके बिलीव्स खत्म कर देते हैं.
नंबर टू, हम बच्चे को अल्लाह से ज्यादा जो है बंदों से डराना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सॉरी अल्लाह से ज्यादा बंदों से डराते हैं, ठीक है। उसको सीधी सीधी बात बताओ, बेटा अल्लाह देख रहा है, आपने ये करना और ये नहीं करना। सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ, हम उसको बेटा सो जाओ, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, जिन आ जाएगा। तो क्या होता है, हम एक्चुअली छोटे बच्चों के जो बिलीव्स होते हैं वहीं से, एक्चुअली वो जो फर्स्ट 7 ईयर्स होते हैं वहां से आपके बिलीव्स बनना शुरू होते हैं, और वहीं से माएं जो हैं वो ये मेन रोल प्ले करती हैं, उनके बिलीव्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वो जो बचपन का खौफ होता है वो सारी उम्र नहीं जाता, ठीक है। तो सेम इज द केस विद हियर कि अपेरेंसेस विदाउट सब्सटेंस। तो हमने बच्चे को क्या सिखाया, एक अपेरेंस तो सिखा रहे हैं उसको, उसकी रूट कोई नहीं है, एक एथिक तो सिखा रहे हैं जो कि विदाउट बिलीव है। तो फिर क्या होता है, हम लोगों के सामने क्या करते हैं, ठीक है, हम लोगों की वजह से जीते हैं, लोग देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, तो हम सारी उम्र यही करते रहते हैं, और फिर हम इसी चीज पे हलकान होते रहते हैं कि फलाने ने मुझे यूं कह दिया, वो कह दिया जी, बस ठीक है, खत्म हो गई बात, सो व्हाट, फलाना मेरी जिंदगी में मैटर ही नहीं करता, मैं मैटर करती हूँ या मेरा अल्लाह मैटर करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो क्या होता है, फिर आपके बिलीव्स कमजोर होते हैं ना जब, तो अपेरेंसेस सामने आ जाती है, आप अपेरेंटली अच्छे हैं, आप अपेरेंटली, यू आर अपेरेंटली गुड, बस दैट्स ऑल। आपकी रूट्स कोई नहीं है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कोई नहीं है, बिकॉज यू हैव नो बिलीव्स। तो टू लिव अ स्टेडफास्ट लाइफ अगर आपने जीनी है तो आपके उतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या था, ये भी सेम इसी तरीके के थे, बिलीव्स इनके थे कोई नहीं, ठीक है, और एथिक में वो सबसे ऊपर थे, अपेरेंसेस में सबसे ऊपर थे। तो दो प्यूरिटन बिलीव इन सेल्फ कंट्रोल, सेक्स रिस्ट्रेंट, येट डेविड हैज अ सेक्स रिलेशन विद द नर्स मेड एंड क्रिस्टाइन हैड एडल्टरस रिलेशन विद ब्रॉन्ट, ठीक है। इन एक्चुअल लाइफ दे डोंट प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, एक्चुअल लाइफ में उन्होंने नफ्स के खिलाफ जहाद किया ही नहीं, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल उन्होंने किया ही नहीं। सेक्स इज एसोसिएटेड विद द फैमिली कर्स, Abe Menon throws out David for loving and marrying a nurse. Abe cannot tolerate the breach of property. ठीक है, वो ये tolerate कर ही नहीं सका कि वो जो उसकी property है वो कहाँ जाए, एक ऐसी nurse उसको use करे, ठीक है, उस तक चली जाए। तो इस वजह से therefore he throws David out and pulls down the house. इस वजह से उसने David को जो है वो घर से बेदखल कर दिया एंड पुल्स डाउन द हाउस ऑफ वेंजेंस, और उसने वो घर ही गिरा दिया, एंड रीबिल्ड्स अ न्यू हाउस ऑन द बेसिस ऑफ हेटर्ड। तो उसने फिर एक न्यू घर जो है वो बनाया, रीबिल्ड किया उसको। एब मेनन कर्स ऑफ हेटर्ड इन इनहेरिटेड बाय हिज सक्सेसर, और एब मेनन की वही कर्स थी, वही बददुआ थी ऑफ हेटर्ड, वो इनहेरिटेड थी कहाँ पे, उसके सक्सेसर, उसके आने वाले जो थे, लेविनिया एंड ऑरिन। वी सी इन द एंड लेविनिया हेट्स लव, ठीक है, लेविनिया जो है वो भी हेट करती थी लव को, और यही वो चीज थी जो कि फिर जद्दी पुश्ती चली आती है खानदानों में। तो मैं हमेशा खानदान बड़ों को यही कहती हूँ, अक्सर मैं खानदानों लोगों से मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ना नफरत करना ना सिखाइएगा, नहीं तो जद्दी पुश्ती चलेगी, पार्टीबाजी ना करें, ठीक है। और नॉर्मली घरों के अंदर ये हेटेड होता है, स्पेशली मियाँ बीवी जो है वो बच्चों को दो हिस्सों में बांट देते हैं, आधे तेरे और आधे मेरे, और फिर जो माँ की साइड लेता है वो माँ का बच्चा होता है और जो बाप की साइड लेता है वो बाप का बच्चा होता है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से ये एक जो है ये थोड़ी सी बच्चे जवान होते हैं ना उससे की पार्टीबाजी सामने आ जाती है फिर सारी। तो ये जो है ये एक ऐसी चीज होती है जो फैमिलीज को तबाह करती है। तो दैट इज द सेम केस कि लविनिया जो है वो हेट करती थी लव से, क्योंकि रीजन क्या थी, जो आपके एल्डर्स होते हैं वो ये बेस बना के जा चुके होते हैं अपनी आने वाली जनरेशन की, वो एक बुनियाद रख देते हैं हेट्रेड की। एज़रा एक्सप्रेसेस हिज रिएक्शन टू हिज वाइफ इन अ टिपिकल प्रोटेनिकल स्टाइल, और इसी तरह से एज़रा एक्सप्रेस करती है अपने करता है अपने रिएक्शन is reaction to his wife एक typical puritanical style में, जब वो कहता है what are bodies to me, ashes to ashes, dirt to dirt, is that your notion of love, ठीक है। और वो एज़रा जो है क्या कहता है उसको कि भाई मेरे लिए bodies कुछ भी नहीं है, ashes to ashes है और ये dirt है मेरे लिए, तो is that your notion of love, तो ये क्या तुम्हारा notion of love है। but when he returns from war he becomes passionate and implores his wife for love,
लेकिन जब वो वॉर से वापस आता है तो फिर वो जो है अपनी बीवी के अंदर वो मोहब्बत ढूंढता है. हिज पुरिटैनिकल बिहेवियर विद हिज वाइफ इज नाउ चेंज. लेविनिया हेट्स हर मदर एंड हर सेंचुअलिटी बट शी हरसेल्फ लव्स एडम ब्रेंड एंड वॉन्ट्स पीटर टू पोजेस हर. ठीक है, अब लेविनिया खुद तो अपनी माँ से मोहब्बत करती थी एंड हर सेंचुअलिटी उसकी सेंचुअलिटी, लेकिन वो खुद जो है एडम ब्रेंड से मोहब्बत भी करती थी और वो चाहती थी कि पीटर जो है वो उससे शादी करे. इन द सेम वे ऑरिन शोज द पैशनेट अटैचमेंट इवन टुवर्ड्स हिज सिस्टर विद सेक्सुअल ओवरटोन्स. ही प्रपोजेज हर दैट शी शुड गिव अप पीटर एंड बोथ ब्रदर एंड सिस्टर वुड लिव लाइक फादर एंड मदर एज़रा क्रिस्टाइन. एज़रा फ्रॉम अ प्रोटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू सच अ रिलेशन वुड मीन फुल डेमिनेशन. और प्यूरिटैनिकल व्यू पॉइंट से ऐसा रिलेशन जो है वो फुल डैमिनेशन है. सो द कर्स बिगिन विद डेविड. कर्स कहाँ से शुरू हुई थी, इनके दादा से शुरू हुई थी एंड एंड विद ओरिन. बोथ ऑफ देम कमिट सुसाइड आउट ऑफ सेंस ऑफ गिल्ट. दोनों ने सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो की वजह से सुसाइड कर ली. सो द प्यूरिटैनिक प्यूरिटन अप्रोच टू सेक्स इज हिपोक्रिटिकल. दे प्रैक्टिस नो वर्च्यू इन मैटर्स ऑफ सेक्स. The appearance and reality of the Puritan way of life are poles apart. अब ये appearance और reality of Puritan way of life जो है वो दोनों मतलब बहुत opposite थे. The manners publicly represent a puritanical self-restrained behavior. Manners जो publicly represent करता है करते हैं एक puritanical self-restraint, यानी कि publicly लोगों के सामने तो वो ये represent करते हैं but in practice they are dominated by hatred, passion and sex. ठीक है, desires और lustrous desires इनके अंदर थी. Does or kneel tears apart the mask of Puritans. ठीक है, theme of mask अभी आगे हम पढ़ेंगे. He shows that Puritans are not men in real sense. वो क्या बताता है कि Puritans actually men नहीं है in real sense. बिकॉज मैन आर लेड बाय पैशन. क्योंकि इंसान जो है वो कैसे आगे जाते हैं, मैन आर लेड बाय पैशन. वेयर एज प्यूरिटन डिनाइज पैशन एंड हेट्स लव. जबकि प्यूरिटन्स जो होते हैं वो डिनाई करते हैं पैशन हेट और लव को. सॉरी, डिनाई करते हैं पैशन को और हेट करते हैं वो लव से. सो दे लिव अ लाइफ ऑफ रिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन. इस वजह से वो एक लाइफ ऑफ रिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो है वो लेड करते हैं. इंट्रोडक्शन पॉइंट्स टू रिमेम्बर देखें, यहाँ पे है साइकोलॉजिकल ड्रामेटाइजेशन ऑफ इवल्स ऑफ प्यूरिटन. ठीक है, प्यूरिटन्स वे ऑफ लाइफ, मैनन्स हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड ऑफ लाइफ, एज़रा डुअल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मैरी एंड क्रिस्टाइन और फिर मैनन हाउस के बारे में. और हमने जो है वो इसका कंक्लूजन देखा. एब मैनन जो है वो एज़रा का फादर था. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे. एक तो मास्क की आगे थीम आने वाली है जो मैंने अभी आपको पढ़ाना है थीम. अच्छा, अगर आप इस ड्रामा को देखें तो ये इन सारों ने मास्क वेयर करके ना फिर इन्होंने ये ड्रामा शो किया था स्टेज के ऊपर. और वो मास्क ये शो यही कर रहा था कि अपेरेंटली दे आर समवन एल्स, मतलब वो सब जो है कुछ और हैं. और इन रियलिटी बिकॉज उन्होंने कुछ मास्क पहने हुए हैं और शायद वो प्यूरिटैनिकल मास्क है तो बाहर से तो वो प्यूरिटन नजर आते हैं, अंदर से वो प्यूरिटन है नहीं. और क्योंकि उनकी वो फेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स शो ही नहीं करते. ठीक है, इस वजह से ये मोस्ट रिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं. ठीक है, और इस जो है और ये जो है जो ऐसी दुनिया जो ये क्लेम करते हैं कि शायद ये डिजायर्स की दुनिया में नहीं रहते, लव की दुनिया में नहीं रहते, इमोशंस की दुनिया में नहीं रहते, ये इनके अंदर भी ये सारी चीजें हैं. क्योंकि इंसान दो चीजों से मिलके बनता है, एक इमोशंस होते हैं और दूसरा उसका इंटेलेक्ट होता है. ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अक्ल भी जरूरी है जी, सीधी सी बात है. इंटेलेक्ट आपकी रैशनल फीलिंग्स होती हैं, रैशनल आपका एक अप्रोच होती है. और जो आपके इमोशंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कल मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी कि एक वाक्य सुनाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा से.
सेकेंड टाइम आयशा से, थर्ड टाइम आयशा से और फोर्थ टाइम आयशा के बाप से। ठीक है, तो ये एक रवैया है इस्लाम का कि उसमें इजहार मोहब्बत इस तरह से किया जाता, उसके लिए वैलेंटाइंस डे बर्थडेज मनाना या एनिवर्सरीज मनाना या उस पर प्रेजेंट कर देना, प्रेजेंट देना, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि एक, और जब हम अपने इन फीलिंग्स को, इन डिजायर्स को रिप्रेस करते हैं तो फाइनली बहुत सारे इवल्स जो हैं वो खानदानों के अंदर जनरेट होते हैं। ठीक, यहाँ पे बेसिकली वो ये चीज बताना चाह रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज आवर थीम ऑफ मास्क।